अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज अहमद गोंदल है। मैं प्रॉपर्टी का काम अरसा 25 साल से कर रहा हूँ लाहौर में। ज़्यादा मेरा काम जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। मैं प्राइवेट लैंड का बहुत कम काम करता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम कर रहा था तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि हमारे पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट नया आ रहा है स्मार्ट सिटी, जिसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी जब मर्ज वजूद में आया है 2016 में जब उन दोस्तों ने मुझे बताया तो मैंने इसका साइट विजिट किया, कंपनी से जाकर मिला, मैंने देखा तो मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली एक टाउन या सोसाइटी नहीं है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक स्मार्ट सिटी है। गया कंपनी से मिला, जब उन्होंने बताया कि ये हमारे पाकिस्तान में पहला स्मार्ट सिटी होगा जो हम इधर इस्लामाबाद शुरू कर रहे हैं, मैंने जब इसके बारे में मालूमात की तो मुझे प्रोजेक्ट पसंद आया और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने स्टार्ट से प्री लॉन्चिंग बुकिंग जो है उसमें काम शुरू किया था और जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसमें प्री लॉन्चिंग बुकिंग जो आई थी वो 5 मरला 17 लाख रुपया रेटिंग निकाला था, जिसमें हमने दोस्तों के साथ मीटिंग की, उनको बताया इसके स्मार्ट सिटी के फीचर बताए तो लोगों ने बहुत सराहा हमें और इसमें हमने स्टार्ट से बुकिंग शुरू कर दी थी। और इंशाल्लाह उस वक्त जो बुकिंग हमने 17 में 5 मरले की थी, आज इस वक्त जो बुकिंग है वो 24 लाख में जा रही है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों पड़ी है, जैसे ये बात सोचने की है कि ये क्यों आया। हमारे मुल्क में जो एक नया प्रोजेक्ट आया था सी पैक का, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया था सी पैक के लिए। हमारे पाकिस्तान को स्मार्ट सिटी की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात थे, दहशतगर्दी के प्रॉब्लम थे, तो उसके लिए जब कोई बाहर से इन्वेस्टर आते थे तो ये लोग परेशान हो जाते थे, गवर्नमेंट को अपना सिक्योरिटी देनी पड़ती थी और उनको शहरों में आना जाना। इसके लिए ये गवर्नमेंट ने सोचा कि इसके लिए हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमें सिक्योरिटी वगैरह ना देनी पड़े। उसके लिए फिर ये इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डर्स और डेवलपर से राय ली। राय लेने के बाद ये फैसला हुआ कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सी पैक रूट के ऊपर किया जाए जो हमारे इन्वेस्टर आने वाले हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाए, उनके यानी कि वो अपना प्रोजेक्ट भी सी पैक रूट के ऊपर करें और उनको रिहायशी जो है रिहायश की सहूलत जो है वो भी सी पैक रूट के ऊपर मिले। और ये वो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट बेसिकली करवा रही है कि इसमें अपना आने वाले जितने भी इन्वेस्टर आजाद हैं जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं उनको किसी किस्म के सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना रहे, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी। और कैपिटल स्मार्ट सिटी एक टाउन या सोसाइटी नहीं है, ये बेसिक एक सिटी है। जैसे इस्लामाबाद इज बिग सिटी, इस्लामाबाद के साथ ये एक स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है जिसमें हर किस्म की सहूलत है। यानी कि अगर एजुकेशन में इसमें देखेंगे तो हायर एजुकेशन की इसमें फैसिलिटीज़ होगी, अगर इसमें हेल्थ में देखेंगे तो हेल्थ की टोटल फैसिलिटी इसमें शामिल होगी। उसके अलावा इसमें मेट्रो सर्विस जो है वो इस्लामाबाद के साथ लिंक कर दिया है, यानी कि जो मेट्रो उधर पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मेन एयरपोर्ट पे आती है, वहाँ से मेट्रो हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी आ रही है और ये उसके साथ लिंक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जब मंसूबा आया इसका हमने पता किया, ये एक कंपनी बनाई गई है जिसमें 3 कंपनियाँ का जीवी है, जिसमें मेन कंपनी जो है वो हबीब रफीक है, उसके साथ FW और एक चाइना की कंपनी क्लिक है। ये 3 कंपनियों का जीवी है, जो जिस 3 कंपनियों का जीवी जो हुआ है उसमें एक कंपनी बनी है जिसका नाम है फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। मेन कंपनी का नाम है फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट और उसका ये आगे प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान में ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हमारे सी पैक दोनों सी पैक रूट, ईस्ट सी पैक रूट, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद
जो है ये पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का। हमारे सी पैक रूट पे मुख्तलिफ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो कि ईस्ट सी पैक रूट और वेस्ट सी पैक रूट पे तकरीबन 200 किलोमीटर के बाद हमारा स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, जैसे मतलब पहला ये इस्लामाबाद शुरू हुआ, उसके बाद फैसलाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची, ग्वादर, पिशावर, ये मुख्तलिफ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये सी पैक रूट के ऊपर, और इनके अपने इंटरचेंज हैं, कोई किसी सोसाइटी को भी इंटरचेंज नहीं मिलता। ये सिर्फ सी पैक के जो प्रोजेक्ट हैं, ये स्मार्ट सिटी, सिर्फ इनको अपने इंटरचेंज मिलेंगे। और इसमें हर किस्म की, और इसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, यानी कि मतलब मेट्रो सर्विस है, इसमें मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं रिहाइश की, यानी कि ओवरसीज़ ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, जनरल में एक एग्जेक्टिव ब्लॉक आया है, हिल विजटा है, चाइना विलेज है, एविएशन विलेज है, पांडा डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें एक बहुत खूबसूरत सिग्नेचर गॉफ आया है, जिसमें जो कि 18 होल पे मुश्तमिल है। और इस गॉफ का जो मेंबर होगा वो वर्ल्ड के तकरीबन 224 गॉफ हैं, वो उनका मेंबर होगा, और बहुत खूबसूरत। और इसमें हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल, यानी कि इसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि अगर इस स्मार्ट सिटी में जो आदमी रहता है, उसमें एक बच्चा पैदा होता है, उसको टोटल एजुकेशन की फैसिलिटी इसमें मिलेगी, एजुकेशन के बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रोज़गार की सहूलत भी इसमें मिलेगी, यानी कि वो फॉर एवर उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी दूसरे मुल्क में, ना किसी दूसरे शहर में, यानी कि उसको हर किस्म